चंदूलाल को तैरना नहीं आता था। उन्होंने कसम ली थी कि जब तक वो ठीक से तैरना नहीं सीख जाएंगे, पानी में कदम नहीं रखेंगे। सावन का दिन था, गंगा नदी खूब उफान पर थी। चंदूलाल के मित्र मटकनाथ ब्रह्मचारी ने कहा, चलो चंदूलाल, तुमको तैरना सिखा दें। चंदूलाल ने कहा, मैंने कसम ली है, जब तक तैरना नहीं आए मैं पानी में पैर भी नहीं रखूंगा। तो चंदूलाल के मित्र ने कहा, ब्रह्मचारी ने, अरे ऐसा भी क्या हो सकता है, बिना पानी में उतरे तुम तैरना नहीं सीख सकते। अच्छी बात है। मटकानाथ ब्रह्मचारी ने कहा, अब जिद छोड़ो और चलो गंगा जी में। चंदूलाल को लेकर मटकानाथ ब्रह्मचारी गंगा जी पहुंचकर बोले, वहां पे एक बोर्ड लगी हुई थी, बोर्ड को देखा, बोर्ड में लिखा था कि डूबते को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। तो उसका दोस्त मटकानाथ ब्रह्मचारी चंदूलाल को ये बोर्ड दिखाया, बोला तुम नदी में उतरो और जोर जोर से चिल्लाना, बचाओ बचाओ, मैं आके तुमको बाहर निकाल लूँगा और दोनों लोग इनाम की रकम बांट लेंगे। चंदूलाल को आइडिया पसंद आया, वह उतर गए पानी में। घुटने तक पानी में जाते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे डूब गया, बचाओ बचाओ। मटकानाथ ब्रह्मचारी ने आंखें दिखाते हुए कहा, अबे चुप कर, कोई घुटने तक पानी में डूबता है क्या? अरे और आगे जाओ, इनाम की रकम नहीं चाहिए क्या? चंदूलाल डरते डरते आगे बढ़े और गले तक पानी हो जाने पर फिर से चिल्लाने लगे। मटकानाथ ब्रह्मचारी ने आंखें तेरी और कहा, और आगे मैं हूँ ना, क्यों डरते हो? इस तरह दो तीन बार हुआ, फिर और चंदूलाल पानी में बहुत आगे चले गए और सचमुच में अब डूबने लगे, क्योंकि उसको तो तैरना नहीं आता। अरे मैं सच में डूब रहा हूँ, तुम आकर के मुझे बचाओ, वो बोला, बहुत अच्छा है। मटकानाथ ब्रह्मचारी ने कुछ नहीं कहा और नदी के किनारे मुस्कुराते रहे। अब चंदूलाल की सांस छूटने लगी और जोर जोर से चिल्लाया, अब वो डूबने लगा, अरे कमीने क्या कर रहा है, जल्दी बचाओ, मैं सच में डूब रहा हूँ, क्या तुम्हें 500 रुपए नहीं चाहिए? मटकानाथ ब्रह्मचारी ने उंगली से इशारा किया, कहा कि पहले वाला बोर्ड के दूसरे तरफ एक और बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था, क्या तुम उसको नहीं देखा? उस पर क्या लिखा था? तैरती लाश को निकालने वाले को इनाम मिलेगा 1000, डूबने वालों को जो बचाएगा उसको 500, और जो मर जाएगा पानी में तैरेगा, जो लाश बन जाएगा उस लाश को उठाने से मिलेगा 1000। तो दोस्तों, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इंसान अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, वो चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अपने हो, अड़ोसी पड़ोसी बहुत सारे ऐसे हैं, आपके अगल बगल भी है, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। आप ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों से बचें जो अपने फायदे के लिए सोचता हो और किसी की जान गवा कोई जान गवा बैठता है, ये किसी का जान ले लेता है अपने फायदे के लिए। आप ऐसे लोगों से बिल्कुल बचें, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बिल्कुल हर फील्ड में ऐसे लोग मिलेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, उन लोगों को शेयर कीजिए जो लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है। इस वीडियो से बहुत सारे लोग सही दिशा मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा, उनको सही तरीका का जीने का रास्ता मिलेगा। और आप अगर इस चैनल में नया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो और इसकी बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि नेक्स्ट अगली वीडियो में जैसे लेके आऊँ सीधा आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं हूँ सज्जाद नूरी, आपका दोस्त। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।